Sonny! Be happy. Happy Chocolate Day. Happy Chocolate Day? वो क्या होता है? आज Chocolate Day है? तो लाए हो आप Chocolate? लाए हो सही में? देखो बाहर बेचेंगे हम ले जा करके तो. नहीं नहीं रख लो, I'm just kidding. हाँ. अच्छा ठीक है दे दो. ऐसे ही खर्चे चलते हैं मेरे यार, यार बाहर एक किराने की दुकान हो सेटिंग है जी. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. द टॉपिक इज लॉ ऑफ कर्मा. कितने बुरे बुरे लोग होते हैं, इतने बुरे बुरे काम करते हैं, क्या उनके साथ बुरा होता है? अगर हम कुछ अच्छा करते हैं क्या पक्का है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा? जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया तो घूम करके हमारे पास आएगा, हमने कुछ बुरा किया तो घूम करके हमारे, तो कहाँ से घूम के आता है? मतलब कहाँ जाता है? कनॉट प्लेस जाता है, धौलक कहाँ कैसे आता है घूम करके? मेट्रो से जाता है कैसे? तो उसको हम मिल करके ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. अब कैसे करेंगे? आपको बोलना है कि आपके हिसाब से लॉ ऑफ कर्मा क्या है, किस तरीके से काम करता है, लेकिन शॉर्ट में. मॉर्निंग सर. सर मेरे हिसाब से कर्मा ये है कि जो बंदे को जो लगता है उसने किया है वो उसके हिसाब से सही होना चाहिए. जैसे कहते हैं ना कि तुमने मेरे साथ बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टेररिस्ट है, उसके हिसाब से उसने सही काम किया, तो क्या वो काम सही है? सर, क्या उसका रिजल्ट सही आएगा उसके पास में? सर उनके हिसाब से तो वो काम सही है ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो अगर वो उनके हिसाब से सही है तो क्या वो सही है? नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि आग में कूदना सही है, तो अगर मैं सही सोच करके आग में कूद जाऊं तो क्या वो सही रिजल्ट आएगा? मेरी सोच वहां तक नहीं गई ना कभी, कभी टेररिस्ट बनने की, आग में कूदने की मेरी गई है. बट जहां तक मेरी सोच गई है, मतलब जो काम हमने किए हैं लाइफ में. हाँ हाँ, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम. Good morning, sir. Morning. मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि somebody has done wrong with me, little bit more, but वो खुश है, मैं ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ. तो ये बड़ा मतलब अजीब लगता है कि अब आई कैन ब्लेम टू समवन, क्योंकि वो तो अपने माइंड से ठीक ही चल रहा होगा या चल रही होगी, बट मैं अपने माइंड में कंफ्यूज रहती हूँ कि भाई ये ठीक है कि नहीं है. मतलब वो रहते ही है माइंड में. मतलब कई बार क्या होता है कि कोई आदमी झूठ बोल करके, फॉर एग्जांपल किसी ने हमको बेवकूफ बना दिया. मैं एक एग्जांपल पकड़ रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, जस्ट इन जनरल कि किसी ने झूठ बोला, चीज़ों को मैनिपुलेट किया है ना, और आपके साथ में कुछ गलत कर दिया. अब वो बंदा मस्त है अपनी लाइफ में, आप दुखी हो गए. और कब तक के लिए हो गए? ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के लिए हो गए. तो गलत किया किसने और हो किसके साथ रहा है? जो इनोसेंट है, जिसने कोई गलती नहीं करी, वो भुगत रहा है पूरी जिंदगी के लिए. जिसने गलत किया वो मस्त है, वो सोच तक नहीं रहा है उसके बाद, वो तो भूल गया है. यानी वो उसको भूल गया है गलत करके, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ वो नहीं भुला पा रहा है. तो भुगत कौन रहा है, जो भूल गया है या जिसको याद है? तो यहां पर क्या आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई. कि अगर हम समझ लें, फॉर एग्जांपल ये आज हम करने की कोशिश करेंगे, समझ लें लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ये कैसे काम करता है, किस किस लेवल पे कैसे कैसे काम करता है. अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो जाए, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी? 100%, ऑलमोस्ट 100%. हाँ, इट कांट बी 100% बिकॉज वी आर थिंकिंग, बट वेरी नियर टू 100%. बट हमको ABCD भी नहीं पता इस लॉ ऑफ कर्मा की, और फिर हम एक्ट करें तब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में ड्राइव कर रहे हो, तो पहले यहाँ के ट्रैफिक रूल्स को आपने अच्छे से समझ लिया कि लेफ्ट साइड में ड्राइव करना है, फिर आप ड्राइव कर रहे हो, तभी एक्सीडेंट तो हो सकता है, पर चांसेस बहुत कम है. या ये कह लो इस वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा कि सामने से कोई आगे टक्कर मार दे, यहाँ पे तो सब कुछ हो सकता है. लेकिन इफ यू ड्राइव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस, उसको समझ करके आप ड्राइव करो, तो पॉसिबिलिटी सही एक्शन की बहुत बढ़ गई. वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लॉ ऑफ कर्मा इज ऑल अबाउट, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में बताओ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये समझना जरूरी है या नहीं है. सो मेरे हिसाब से जो आपका कर्मा या डेस्टिनी जो है वो कुछ नहीं होता, आप अपने जो बिलीव करते हो या फिर जो आपको कोई और बिलीव करवा देता है, आप उसको ही सच मान के वो चीज़ें आगे करते हो. आपका बिलीव और दूसरे के बिलीव के अकॉर्डिंग ही आपका कर्मा आगे डिसाइड होता है. व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो हमारे बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का जो एक्शंस हम ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपको किसी ने बिलीव करा दिया कि आपके सर पे भूत चढ़ गया है, एक्चुअल में नहीं है, मान लिया, लेकिन क्या इस मानने की वजह से आउटकम आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा. सर गोल गोल घूमेगा नहीं घूमेगा? बाल बाल ऐसे घूमेंगे नहीं घूमेंगे? हाँ, आवाज बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? आप बीमार नहीं हो, लेकिन आपके अंदर एक वहम आ गया कि मैं बीमार हूं. इस वहम का क्या इलाज है? क्या इसकी वजह से गड़बड़ होगी या नहीं होगी? होने लग जाएगी. स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा? गड़बड़ मतलब क्या, आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा? टेंशन होगी या नहीं होगी? होगी.
उसकी वजह से बॉडी में गड़बड़ होगी, बीमारी नहीं भी होगी तो कोई और बीमारी पैदा हो जाएगी, बिकॉज ऑफ नॉट बींग एट ईज. वॉट इज डिसीज, कभी सोचा है? डिजीज जिसको बीमारी बोलते हैं, डिस ईज. सो ऐसा कुछ भी करोगे जिसकी वजह से यू आर नॉट एट ईज, दैट इज डिजीज. कुछ भी मान लिया, आपके ऊपर टोना टोटका हो गया, मान लिया, वो कितना आसान है मनवाना. आपके घर के बाहर आकर के कोई लाल रंग मिला के ये वो करके कुछ अपना मिर्ची पिर्ची नींबू ले करके वहीं जहां से आप निकलते हो अपनी गाड़ी पे उसके टायरों के दोनों के सामने लगा देना है, तो फटेगा पुचुक करके आवाज आएगी, उसके बाद में हो गया आपका काम शुरू. और फिर जहां भी आप जा रहे हो, जैसे ऑफिस में गए वहां पे आपके बेंच के वहां पे साइड में कोई लाल रंग से यानी आपको लगेगा खून से लिखा हुआ है, तू नहीं बचेगा बे. जहां भी जा रहे हो यही दिख रहा है, क्या होगा? वॉट लगेगी? नहीं लगेगी. ये क्या है? बिलीफ ही तो है. फिर चाहे कुछ पॉजिटिव हो चाहे कुछ नेगेटिव हो, पॉजिटिव में फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, नेगेटिव में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. पकड़ में आई बात? पॉजिटिव में आप मान लो कि मैं तो भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, मानता रहे, बन गए सबसे अमीर आदमी, बन गए, मानने से बन जाते. मैं इस दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर हूं, मान लिया, बन गए. मैं बीमार हूं बिकॉज ऑफ कुछ अंदर वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, उसकी वजह से आप सोचते रहो नहीं नहीं मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ठीक हो जाओगे. या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड गोली खानी पड़ेगी, तो वहां पे एक्शन लेना पड़ेगा ना. मेरी जिंदगी बेकार है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं पड़ा है, इसमें किस एक्शन की जरूरत है, कौन सी गोली काम आएगी यहां पर? नेगेटिव बिलीफ्स में किसी एक्शन की जरूरत है ना, वो काम अपना अपने आप ही कर देगा. पॉजिटिव बिलीफ के लिए एक्शन की जरूरत है. लॉ ऑफ कर्मा इज व्हाटएवर आई एम टुडे इज लाइक रिजल्ट ऑफ माय एक्शन व्हिच आई टुक इन पास्ट. हां, एंड व्हाटएवर आई चॉइसेस आई मेक टुडे यू नो इन डे टू डे लाइफ इट विल रिजल्ट यू नो इन समथिंग इन माय फ्यूचर. अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां पे देखना, अब यहां पे एक और एक क्वेश्चनिंग करेंगे, एक और लेयर बीच में लेकर के आएंगे कि हम कहते हैं कि आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से है. क्या सच है झूठ है? सच है सर. अच्छा सच है ये? जबरदस्ती. ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बिकॉज इसीलिए हम कभी भी चीजों को कम्प्लीटली नहीं समझते हैं. आपने आज जो भी कुछ किया या जो भी आप कुछ हो, क्या सिर्फ अपने एक्शंस की वजह से हो या अपने माँ बाप के एक्शंस की वजह से भी हो? जिस स्कूल में आप गए उनके टीचर्स के एक्शंस की वजह से भी हो. किसी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, जेब्रा क्रॉसिंग पे आराम से वो चलता हुआ बंदा जा रहा था, यहां से कोई आया गाड़ी में उसको ठोक करके चला गया और उसकी एक टांग नहीं है, क्या उसके अपने एक्शन की वजह से नहीं है? ना उसने लीगली कुछ गलत किया, ना एथिकली, ना मॉरली, किसी भी तरह से कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सब कुछ सही किया और उसकी आज ये हालत है कि वो चल तक नहीं सकता है ढंग से, तो क्या वो उसके अपने एक्शन की वजह से है? सोचो. हो सकता है उसने अपनी पास्ट लाइफ में, माइक देना एक मिनट इनको. वी बिलीव इन रीबर्थ, सो माइट बी दैट पर्सन मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग इन हिज पास्ट प्रीवियस लाइफ. मैं एक बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ. जब भी हमारे पास्ट में या सो कॉल्ड हमारे जो गुरु हैं, ज्यादातर गुरु घंटाल होते हैं, उसमें ज्यादातर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जब भी उनके पास में हमारे पास में किसी सवाल का जवाब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ को बीच में घुसा देते हैं. ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? Yes, sir, yes, sir. क्या आप में से किसी को भी अपना पिछला जन्म याद है? No, sir. How can you say कि वो होता है? क्या हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस से बाहर है उसको हम बीच में नहीं घुसेड़ेंगे? साइंस किसके बारे में? जिसको एक्सपीरियंस किया है या जिसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है? चाहे वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया है, ये जो पांच सेंसेस हमारे पास में है, या इन इंस्ट्रूमेंट्स के आगे कोई और इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जो भी हमारे एक्सपीरियंस में आया उसी के बारे में तो हम कुछ समझ सकते हैं ना. जो हमारे एक्सपीरियंस में ही नहीं है तो वहां पर डिस्कशन करना क्या बेवकूफी नहीं हो गई? टाइम वेस्ट नहीं हो गया? तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंस में है, जो सबके एक्सपीरियंस में है, बस उसी की बात करेंगे, उसमें से देखेंगे कुछ निकल के आया या नहीं आया. सर, रिलीजन की व्यू पॉइंट से देखा जाए अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, तो उसमें अगर वैसे देखा जाए तो साइंटिफिकली तो कुछ चीजें जो प्रूव नहीं कर सकता लाइफ में इंसान, बट गीता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिवर तो होता ही है अकॉर्डिंग टू कृष्णा. हाँ. तो वो तो फिर अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना. तो हाँ, एक मिनट प्लीज हैव अ सीट. हाँ, एक बार माइक देना उनको, माइक देना. अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बर्थ अगर देखा जाए, बहुत अच्छे कर्म इस जन्म में कर लिए लेकिन फिर भी वो फकीर है, कोई गरीब है, वो अकॉर्डिंग टू उसे कर्मों की वजह से है. हम कहते हैं यार उसकी किस्मत देख कितनी अच्छी है, राजा भोज है, एकदम कितना अच्छा इंसान है, पिछले जन्मों की वजह से है. हाँ, पिछले कर्मों की वजह से. अगर किसी लड़की के साथ में कोई रेप हो रहा है तो वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हो रहा है? नो.
अगर पिछले जन्मों में उसने कुछ बुरे कर्म किए होते, बुरे कर्म मतलब क्या, बुरे एक्शंस, तो उसमें कुछ बुराई तो नजर आती। उस 6 साल की बच्ची में या 8 साल की या 10 साल की बच्ची में कोई बुराई नहीं है, इतनी इनोसेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको अगर कोई बुरे से बुरा इंसान भी देखे तो उसका दिल पिघल जाए उसको देख करके। उसके साथ बुरा हुआ, क्यों हुआ? उसके कुछ बुरे कर्मों की वजह से। उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ गलत हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ? लगाओ दिमाग, किसका कर्म है ये? यहां पे ध्यान से समझ लेना, जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ उस बंदे की वजह से हुआ, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है उसकी वजह से भी हुआ या नहीं हुआ। यस सर। अगर लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि ऐसा कुछ होने की गुंजाइश ही ना हो, तो इस बंदे में हिम्मत कहां से आएगी स्टेप उठाने की? क्या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका रोल उसमें है या नहीं है? यस सर। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए कभी जाकर, मैं जाता रहता हूं इसलिए मुझे पता है अंदर की हालत क्या है, वहां जाकर के देखो क्या हालत है वहां। एजुकेशन सिस्टम के खराब होने में क्या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका रोल है या नहीं है? अगर आप कहते हो उसने कुछ बुरे कर्म किए जिसकी वजह से उसके साथ कुछ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ना तो पॉलिटिशियन को कुछ करने की जरूरत है, ना पुलिस वालों को कुछ करने की जरूरत है। अरे भैया, सबके कर्मों की वजह से तो हो रहा है। आई थिंक हमारी कंट्री, ये जो इतनी बुरी हालत है हमारी कंट्री की, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा देते हैं। जो हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, कर्मों की वजह से हो रहा है। तो अब सवाल उठता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या एक झटके में पूरा का पूरा सिस्टम बदला जा सकता है? नो सर, नहीं बदला जा सकता। अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, जो सब करते हैं उसका असर एक पे आता है, जो एक करता है उसका असर सब पे आता है। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। अपने आप को बदल सकते हो? यस और नो? यस और नो? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हो? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? तो क्या आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को नहीं बदल रहे हो? Yes, समझ गए मैंने क्या बोला है? यानी अगर आप अपने बच्चों को बोलते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो पहले आप खुद झूठ नहीं बोल रहे हो, या अगर झूठ बोला तो माफी मांग रहे हो उस बच्चे से भी और जो भी लोग आपके आसपास में हैं उन सब से। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चा भी ऐसा कुछ करे। आप खुद सुबह से रात तक झूठ बोल रहे हो और उस बच्चे को सिखा रहे हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो गड़बड़ नहीं हो गई? खुद सेल्फिश हो और बच्चे को बोल रहे हो कि नहीं तेरे को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं हो गई? फिर वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को छोड़ रहा है, तो गलत क्या कर रहा है उसमें? आप भी तो ऐसे ही हो, आप भी तो अपने फायदे के लिए औरों का नुकसान करते हो, तो वो भी कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? कड़वी लगेंगी ये बातें सुनने में, सच नहीं है? तो वैसे तो करेगा जैसा उसने देखा है बचपन से लेकर के आज तक। हमारी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ सबसे पहले। तो इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ कर्म का कॉन्सेप्ट वहीं पे ढह जाएगा। इट इज इंटरडिपेंडेंट। जो भी कुछ हम कर रहे हैं सुबह से रात तक, उसके पीछे पूरी की पूरी दुनिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे फिर आपने कपड़े पहने हुए हैं, चाहे चश्मा है, चाहे बाल कटा रहे हो, कुछ भी है, जिस तरह से सोच रहे हो, जो काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज अंदर फीडेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अब क्या करें यहां पर, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देखो, एक तरफ से मैं पावरलेस हूं, जैसे मैं सच को देख लेता हूं हम पावरलेस हो जाते हैं, इसलिए सच को ज्यादातर लोग देखते ही नहीं है, यहां तक जाते ही नहीं है, क्योंकि एकदम से पावरलेस फील करते हैं। अब हम क्या करें? इतनी बड़ी दुनिया है, वहां पर इतना कुछ गलत हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, भाड़ में गई दुनिया, ये सोच नहीं हो जाएगी हमारी? यानी अगर आप सही भी हो अपनी तरफ से, बिल्कुल सही हो, तब भी यहां का जो लीगल सिस्टम है वो ऐसा है कि जिसने क्राइम किया है वो छूट जाएगा पैसे वैसे खिला करके, और आप इनोसेंट हो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, ये कोई इल्यूजन नहीं है, फैक्ट्स है। तो यहां पर सही क्या और गलत क्या? जब गलत छूट जाता है और सही को सजा मिलती है, तो मैं भी गलत ही क्यों ना हो जाऊं? ये थॉट्स आते हैं नहीं आते हैं? Yes, sir, yes, sir. जब जो चोर उचक्के हैं या जो भी जो उल्टे सीधे सारे काम कर रहे हैं वो मजे मार रहे हैं, और जो शरीफ आदमी है
जिसने कभी लाइफ में किसी के साथ गलत नहीं किया वो भुगत रहा है, ऐसा है, सच है, नहीं है? हाँ, तो यहां से क्या थॉट आएगा माइंड में, क्या भी बुरे हो जाते हैं, उससे क्या होगा, लगा थोड़ा सा दिमाग, जितने हम बुरे हो रहे हैं दुनिया और बुरी हो रही है। इस बुरी दुनिया का असर सिर्फ हम पे नहीं आ रहा है, हमारी फैमिली पे भी आ रहा है, हमारे बच्चों पे भी आ रहा है, सब पे आ रहा है इस बुरी दुनिया की वजह से। या जो सब कुछ बुरा हो रहा है उसकी वजह से एक बुरा हो रहा है, वो एक जो सबसे अलग नहीं है, तो सब और बुरे होते चले जा रहे हैं, तो इस एक की लाइफ और खराब होती चली जा रही है। इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखो, एक सच क्या है कि जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है, ये सच है। दूसरा सच क्या है कि जो एक करता है उसका असर इस पूरी दुनिया पे होता है। तो अगर इस सच को आप देख लो कि जो भी मैं करने वाला हूं उसका असर सब पे होने वाला है, यानी अगर आप एक टीचर हो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो उसका असर उन कुछ बच्चों पे नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया को आप बदल रहे हो, पूरी दुनिया बदलने वाली है आपकी वजह से। तो अब आपको रिजल्ट साफ नजर आ रहा है, और वो रिजल्ट छोटे मोटे पैसे से बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है कि इस महीने के एंड में मेरे को 10,000 रुपए मिले, 20,000 रुपए मिले, वो बड़ा है? मैं नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, स्कूल वाले जो आप काम कर रहे हो उसको आपको पैसा दे रहे हैं, आपको नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा 20,000, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया को बदल रहा हूं। पैसा अपनी जगह पर है, वो किस लिए चाहिए, अपने खर्चे वर्चे निकालने के लिए, लेकिन साथ में कोई जीने की कोई वजह भी तो चाहिए ना, ये तो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं। कड़वा तो नहीं लग रहा है, सिर्फ अपने लिए जिए, अपने लिए मरे तो क्या जिए, उसमें एनर्जी कहां से आएगी, जिसको आप मोटिवेशन कहते हो, एक्चुअली मोटिवेशन मोटिवेशन सब टेम्पररी होता है, इंस्पिरेशन कहां से आएगी जीने की, जो अंदर से एनर्जी निकल रही है वो कहां से आएगी, जब आपको दिखे कि आपका कोई भी एक्शन छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। ये मत समझो कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूं आप छोटा कर रहे हो, ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल आपको दूं, स्कूल में जब मैं था, मतलब मे बी 6th or 7th standard, मैंने बताया भी था अपने एक सेशन में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली मैं कौन सी क्लास में था, शायद 5th 6th में था, तब एक मॉरल साइंस की मेरी टीचर होती थी। मैं बिल्कुल थका हुआ स्टूडेंट था स्कूल में, ना पढ़ाई में अच्छा, ना इसमें अच्छा, ना कोई फ्रेंड सर्कल, कुछ भी नहीं, मीडियोकर सा स्टूडेंट था। उस मैम ने बस एक बात बोल दी कि संदीप एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे, वो बात घर कर गई। तो आज ये सब जो भी कुछ हो रहा है उसमें उनका हाथ है या नहीं है? Yes, sir. तो क्या वो, उन्होंने क्या किया जिंदगी में, सिर्फ 10-15,000 रुपए की नौकरी करी या उन्होंने इस बंदे को खड़ा कर दिया? देख पा रहे हो इस सच को? ये विजन चाहिए होती है लाइफ में। तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है, जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए, छोटी सोच के लिए क्या एनर्जी चाहिए, छोटी। अब यहां पर कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, अगर इस सच को आपने देख लिया है। यानी अब अगर आप ये सोच करके कर रहे हो कि मैं जो करने वाला हूं या करने वाली हूं उसका असर पूरी दुनिया पे आने वाला है, तो मुझे क्या मिला? अरे घोचू, आप उस दुनिया से अलग नहीं हो, आप ही वो दुनिया हो, तो जो मिला आपको ही मिला। तो यहां से आपका पर्सनल सेल्फिश मोटिव बिल्कुल जीरो हो गया। जैसे ही वो जीरो हो गया, अब आप फ्री हो गए, आपकी एनर्जी फ्री हो गई। नहीं तो सो कॉल्ड बुरे लोग, सो कॉल्ड अच्छे लोग, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का अपना सेल्फिश मोटिव है। जो बुराई कर रहा है वो भी अपने फायदे के लिए कर रहा है, जो सो कॉल्ड अच्छाई कर रहा है वो भी अपने फायदे के लिए कर रहा है। ऐसे लोग जो सो कॉल्ड अच्छा काम कर रहे होते हैं, सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स, कभी बारीकी से बैठ करके उनको ऑब्जर्व करना, आपको एक बात वहां पे कॉमन नजर आएगी, उनके अंदर एक कड़वाहट होगी कि मैंने दुनिया के लिए इतना किया, ये दुनिया देखो मेरे साथ में क्या कर रही है। ऐसा आपने नोट किया अपने फैमिली मेंबर्स में? देखो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को जानते हो? सबके साथ सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन रोते रहते हैं सुबह से रात तक। जब करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं, यानी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने अच्छा कर्म किया मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए। भाई तूने अच्छा कर्म किया और अगर तू एक है सबके साथ में तो तुझे अच्छा फल मिल गया है, कल पे क्यों डाल रहा है? टॉपिक क्लोज हो गया है, जब टॉपिक क्लोज हो गया तो कुछ बचा ही नहीं है। तो कर्म करने से पहले भी खुश, कर्म करते वक्त भी खुश, कर्म करने के बाद भी खुश, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस कर्म का कैसा फल आ रहा है। इसको आप कह सकते हो वो कर्म जो सही है। थैंक यू सो मच जी।